दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार करियर विथ इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों एक नया अपडेट मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट हैं। जैसे कि अभी आप ITI के हो सकता है, नए नए छात्र हों, आप पास आउट होकर निकले हों या आप 10th पास हों, तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि भाई 10th पास एलिजिबल होगा कि ITI एलिजिबल होगा। अगर ITI एलिजिबल होगा तो ITI की कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल होगी, साथ ही साथ इसमें आपका एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपसे मांगा जाता है वो क्या रहने वाला है, साथ ही साथ भर्ती की संभावना आने की कब तक है, ये तो आपको उसमें पता होगा जो कैलेंडर रेलवे ने दिया, कितनी भर्ती के आने की संभावना है। साथ ही साथ जो अप्रेंटिस का लाभ आपको बताया जाता है कि भाई अप्रेंटिस का लाभ है वो क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी में इंटरेस्टेड हैं या आपको लगता है कि भाई इसके बारे में जानना चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यही आपसे क्या रहेगी मेरी रिक्वेस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आइए देर न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही आधे लोगों को इससे इस भर्ती से क्या कर सकती है, बाहर कर सकती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2018 या 2019 की, तो यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया था, यहाँ पर आपसे 10th मांगा गया था, लेकिन ये साथ ही साथ रेलवे ने उसी समय ये कह दिया था इस भर्ती के पूर्व प्रक्रिया होने के बाद कि ये एक मतलब टेम्परेरी प्रोसीजर है 2018-19 वाला, ठीक है, बाद में कभी भर्ती आएगी। यानी कि अगर बात करें 2024-25 में जो भर्ती आने वाली है, अगर आप इसमें बात करोगे तो इसमें क्या मांगा जाएगा, उसके पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा कि रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट आती है, रेलवे जो ग्रुप डी की पोस्ट आती है, इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन सी भाई, एक होती है आपकी नॉन टेक्निकल, एक होती है आपकी नॉन टेक्निकल, ठीक है, और एक होती है आपकी टेक्निकल, एक होती है आपकी टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक्निकल में आपका क्या आ जाता है, नॉन टेक्निकल में आपका जाता है NTPC पॉपुलर कैटेगरी, जिसे आप लोग जानते हो, जिसके फॉर्म अभी ओपन हो चुके हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और टेक्निकल में कौन कौन सी पोस्ट आ जाती है, टेक्निकल में आपकी ALP की पोस्ट आ जाती है, टेक्निकल में आपकी JEE की पोस्ट आ जाती है, टेक्निकल में आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट आ जाती है, टेक्नीशियन में आपकी टेक्निकल में आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट आ जाती है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की आ जाती है, और इसी में लेवल वन की भी टेक्निकल पोस्ट आ जाती है। आप तो कहोगे ये सब पहली बार सुने, नहीं, लेवल वन में भी क्या होती है, अगर आप बात करोगे 2024-25 में जो भर्ती आएगी लेवल वन जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप डी, ये क्या होती है, दो पार्ट में आती है भर्ती। लेवल वन में भी क्या होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल, जिसमें आपका मल्टी टास्किंग जो स्टाफ वगैरह हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड काम आते हैं, कुछ और भी बोगी में जो काम करने वाले होते हैं वो होते हैं, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, और ये भर्ती जो आएगी ये आएगी 10th लेवल पे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ITI की वैकेंसी आएगी, और बाकी जो आपकी आएगी टेक्निकल वैकेंसी, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, जैसे आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, जैसे आपका सिविल हो गया, तो यहाँ पर टेक्निकल जिन्होंने ITI कर रखी है, जिन्होंने क्या कर रखी है भाई, जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए भर्ती आने वाली। यानी कि सिंपल सा फंडा आप समझो कि जो भर्ती आएगी 2024-25 में या 2024 लास्ट में अक्टूबर तक आने वाली है, ये आएगी 10th वालों के लिए भी आएगी एंड 10th प्लस ITI। तो अब आपका कहना है कि भाई ये भर्ती अब परसेंटेज कितना रहेगा, यानी कि इसमें 10th की भर्ती कितनी रह सकती है और ITI की भर्ती कितनी रह सकती है। तो देखिए यहाँ 10th की जो भर्ती रहेगी वो 20% के आसपास रहेगी, यानी कि जो भी टोटल वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ, पहले 2018-19 में क्या हुआ था, ओवरऑल 10th की वैकेंसी आई थी, तो इसमें ITI वाले स्टूडेंट्स को कोई लाभ नहीं मिला था ITI करने का। लेकिन अब जो भर्ती आएगी, ये ऐसा नहीं 10th की पोस्ट नहीं, 10th लेवल की भी कुछ पोस्ट होती हैं वो आपकी रहेंगी, लेकिन वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 20% रहेंगी, बाकी 80% सीटें जो आपकी रहेंगी वो ITI स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। तो ये चीज़ क्लियर है कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था पहले, अब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। दो कैटेगरी में बांटते हैं लेवल उनको, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में ITI किए हो या तो आप अप्रेंटिसशिप किए हो, यानी कि 10th प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th प्लस ITI, उसके लिए वैकेंसी आती है। और 20% कुछ पोस्टें आती हैं वो है नॉन ITI कैंडिडेट, यानी कि 10th पास वालों के लिए। इतना क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कि यह आप नोटिस देख चुके होगी भाई, 15/6/2019 एक नया नोटिस भी अभी निकल के आया है कि 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी लेवल वन में यानी कि ग्रुप डी में, उसमें आपका क्या होगा, देखिए विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या आपका 10th पास प्लस ITI, या तो आप 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप हो या 10th प्लस आप ITI हो तो एलिजिबल होगे। ये इन्होंने बहुत पहले से ही बताया, 2019 की जब वैकेंसी हुई थी आई थी उसके बाद से ही नोटिस बार बार लगातार रेलवे डाल के बताता रहा है कि भाई देखो ऑल एक्सपीरियंस कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, मतलब आप ये नोट कर लीजिए और इसी क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो आगे की प्रिपरेशन आप ग्रुप डी की कीजिए, नहीं तो भाई आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन मत कीजिए, ऐसा रेलवे ने पहले ही कह दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रेंटिस वालों को क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए अभी आपको पता है कि रेलवे की जो अप्रेंटिस डिपार्टमेंट है, जैसे कि अभी प्रयागराज जोन में वैकेंसी आई थी अप्रेंटिसशिप के लिए, इसी तरीके से वेस्टर्न जोन में भी अप्रेंटिसशिप आई है लगभग 4000 पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए, उस अप्रेंटिसशिप जब रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप का नोटिस आता है जब आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिख दिया जाता है भाई अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, देखिए तो लेवल वन की वैकेंसी में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा कितने परसेंट का, 20%। अगर आपने नोटिस नहीं पढ़ा तो आप जाकर देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं नहीं लगा पाया हूँ उसको। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या, देखिए जब रिजर्वेशन वाली बात आती है तो ऐसा तो है नहीं भाई डायरेक्ट आपको स्टेशन मास्टर बना देगा, लेकिन रेलवे ये कहता है कि जैसे आपने उसके साथ काम किया यानी कि रेलवे अप्रेंटिसशिप या एक साल, तो ग्रुप डी का लगभग मतलब जो ग्रुप डी या लेवल वन का जो काम है वो आप एक साल में सीख गए तो आपको कुछ बेनिफिट देता है, तो 20% आपका रिजर्वेशन रहता है। इसमें क्या रहता है भाई, लेवल वन में क्या रहता है, अप्रेंटिसशिप वालों का क्या रहता है, 20% रिजर्वेशन रहता है। अब इससे आप लोग इससे क्या लाभ मिलेगा रिजर्वेशन से, देखो जो ओपन अगर वैकेंसी है जहां पे रिजर्वेशन नहीं है तो इसकी कट ऑफ आपकी जाती है 65-70 मार्क्स, ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल की। ठीक है, बाकी आपकी ओबीसी SST की कम भी हो सकती है, लेकिन अगर आप यही इन्हें आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, जो कि अप्रेंटिसशिप किए बच्चे कम रहते हैं, अप्रेंटिसशिप किए बच्चे रहते हैं उनकी सीट रिजर्व रहती है, उसको कोई नहीं ले सकता, तो इसकी कट ऑफ जाती है 40-50 मार्क्स। अब आप सोचो यहां पर जो 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है उसमें एक एक नंबर लाना कितना मुश्किल हो जाता है, यहां पर अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हो ग्रुप डी की भर्ती में 20% आपको रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, तो उसमें आपको 40-50 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेलवे जो ऐसा नहीं, देखिए अब जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, कंफ्यूज में तो ये नहीं कहीं से आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, अगर आप रेलवे से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ही आपको इसमें लाभ मिलता है, पता नहीं आपने IOCL से या कहीं और से अप्रेंटिसशिप कर रखा हो तो फिर उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो ये क्या मिलता है भाई, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनको ये लाभ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भर्ती निकलने की उम्मीद है, तो देखो भाई इस तरीके से पेपर कटिंग कहीं 1,70,000 कहीं 1,00,000 इस तरीके से पेपर कटिंग आपको घूमते हुए दिख जाएगी। लेकिन अच्छा ये बताओ अगर आप 1,00,000 की भर्ती की बात कर रहे हो तो 2019 में 1,00,000 भर्ती आई थी, उसके पहले LP की भर्ती लगभग 60-70,000 आई थी, क्या इस बार LP की भर्ती उतनी आई, नहीं, LP की भर्ती 5,000 आई, उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब कुछ ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, कुछ दबाव डाला गया, उसके बाद भर्ती बढ़कर 19,000 हुई। पिछली बार NTPC की वैकेंसी कितनी थी, लगभग 35,000, इस बार अगर 10+2 और रजिस्ट्रेशन को मिला दिया जाए तो NTPC की भर्ती कितनी है, लगभग 11,000, यानी कि 1/3, सारी वैकेंसी आप देखोगे या तो 1/3 है या तो उससे भी कम है। तो अगर ग्रुप डी की भर्ती 2019 में 1,00,000 आई थी तो आप इसका 1/3 ही मान के चलो, 1/3 इंटू 2019 की भर्ती अभी के लिए। अब ये भर्ती बढ़ सकती है, मतलब 30-35,000 मेरा अनुमान है, अब ये भर्ती बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, अगर आपकी अभी जो JEE की वैकेंसी चल रही है जिसमें इतने कम पद हैं, ठीक है, NTPC की भर्ती चल रही है जिसमें इतने कम पद हैं, अगर उसमें पदों की संख्या बढ़ती है तो रेलवे ग्रुप डी में भी पदों की संख्या बढ़ेगी, तब ये 50,000, 60,000, 70,000 तक ये भर्ती जा सकती है। लेकिन अभी के लिए आप तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हो, ITI के छात्र हो भाई, आपके पास ALP की वैकेंसी है, टेक्निकल अगर वैकेंसी की बात करूँ ALP की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी और साथ ही साथ ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, पूरा सिलेबस आपको पता चल चुका है, टेक्नीशियन से भी टेक्निकल हटा चुका है, ठीक है, ALP में थोड़ा बहुत टेक्निकल है वो पास आउट है, और इसमें भी आपका जो अभी आगे एग्जाम पैटर्न भी मैं चर्चा करूंगा, इसमें भी आपका सारा कुछ नॉन टेक्निकल ही रहने वाला है।
तो अभी से अगर आप तैयारी में लग जाओगे तो आप किसी न किसी भर्ती में आप सिलेक्शन इसमें ले रहे होगे, ठीक है। बाकी इन्होंने बता दिया कि भाई अक्टूबर में जैसा कि कैलेंडर में लिखा है कि अक्टूबर में, यानी कि अगले महीने आपकी ये भर्ती जो है आ सकती है, अक्टूबर नवंबर तक ये जा सकती है, मतलब इसके फॉर्म आते रहते हैं, अक्टूबर या नवंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आपने एक न्यूज़ और पढ़ी होगी कि रेलवे में 80,000 नए पद सृजित होंगे। देखिए ये न्यूज़ तो भाई बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। 1,70,000 भर्ती अभी आने की संभावना तो नहीं है, ठीक है। बाकी अगर NTPC में भी कुछ पद बढ़ते हैं, जेई में भी कुछ पद बढ़ाए जाते हैं, अभी टेक्नीशियन का देखिए पद कुछ बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अभी उसका फिर से फॉर्म रीओपन नहीं हुआ, तो टेक्नीशियन में भी आपकी पद बढ़ने की संभावना है, आप ये सब समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो मैंने आपको बताया कि 1/3 × 2019 भर्ती, यही मान के आप चलेंगे। और अभी आपने पढ़ा होगा कि रेलवे में 80,000 नए पद सृजित होंगे, तो उसमें कुछ ग्रुप डी के पद ही होंगे, ऐसा थोड़ी कि सब जेई और टेक्नीशियन और LP के पद होंगे, उसमें कुछ ग्रुप डी या लेवल वन के ही पद होंगे, तो उसमें भी भर्ती आपकी बढ़ने की संभावना यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो सबसे पहले अगर सिलेबस एग्जाम पैटर्न अगर मैं आपसे कहूं, तो सबसे पहले आपका क्या होता है भाई, इसमें CBT होता है, देन CBT के बाद आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद फिर आपका DVN, फिर आपका मान लो मेडिकल हो जाएगा, फिर मेडिकल और फिर DV या DV मेडिकल, जो भी आपको जो भी मतलब इतने प्रोसेस होता है, यानी कि सबसे मेन एग्जाम आपका होता है CBT। इसी बेस पर आपकी क्या बनती है भाई, इसी बेस पर आपकी मेरिट बनती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CBT में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको करना पड़ेगा। अब CBT का देखिए पैटर्न देखिए, तो इसमें क्या होता है, टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 90 मिनट का आपका समय दिया जाता है, टोटल क्वेश्चंस 100 रहते हैं, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने रहते हैं। और ये सभी को पता है रेलवे के एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। अब इन 100 क्वेश्चंस में क्या कह रहा था भाई, मैथमेटिक्स आपका आता है 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग आपका आता है 30 क्वेश्चंस, जनरल साइंस आपका आता है 25 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ये आपका आता है 20 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप देख लो इसी हिसाब से आपका, आप भी अगर आप टेक्नीशियन तैयारी कर रहे हो, LP की तैयारी कर रहे हो, देखो LP के CBT 1 की तैयारी कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जनरल साइंस मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मिलेगा, क्या कहीं कुछ अलग से पढ़ना है। इसी तरीके से आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होगे, तो उसमें आपको जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और यही सारी चीज़ें मिलेंगी। आगे जब LP की भर्ती आएगी तो उसमें भी आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। JEE वगैरह का अगर आप डिप्लोमा जैसे हो तो CBT 1 की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी मैथ, साइंस, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, तो यही सारी चीज़ें आपको बार बार पढ़नी है। और आपके पास समय काफ़ी, काफ़ी वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी मतलब कई तरह की वैकेंसी हैं, ठीक है। तो ये आपका CBT 1 का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इसको आप अभी देख लो, ये चेंज नहीं होने वाला, लगभग यही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखोगे आप, देखोगे तो आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, देन इसके बाद क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। देखो मेल के लिए क्या रहता है कि आपको 35 kg उठाकर 100 मीटर चलना है बिना वजन को नीचे रखे 2 मिनट के अंदर, यानी कि आप वजन उठाओ 35 किलो, 100 मीटर तक जाओ 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर रनिंग करनी रहती है 4:15, ये मेल के लिए है, 4:15 में 1 किलोमीटर आपको दौड़ना रहता है, जो कि आसानी से आप दौड़ जाओगे, अगर 15 से 20 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप दौड़ जाओगे। इसके बाद बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, इनको क्या रहता है कि इनको 20 kg उठा के 100 मीटर चलना रहता है, 20 kg उठा के 100 मीटर चलना रहता है 2 मिनट्स में विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि बिना रुके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप 20 किलो उठाओ, 100 मीटर दूरी बता देंगे, यहाँ से वहाँ तक 100 मीटर है, वहाँ तक लेके जाओ, रख दो, और 2 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है। और रनिंग की बात करें तो रनिंग में 1000 मीटर आपको, मतलब 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है 5:40, यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा सा गर्ल्स के लिए बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल घबराने दिक्कत वाली बात नहीं, रेटिंग पर फोकस करो। उसके बाद 1-2 महीने का आराम से समय मिलता है, आप आसानी से, अगर आपको पता है कि आपका नंबर आ जाएगा रिजल्ट आने के बाद भी, इवन रिजल्ट आने के बाद भी अगर आपको लगता है श्योर नहीं हो रिजल्ट में आपका नाम आ गया, तो उसके बाद भी 15-20 दिन 25 दिन 1-1.5 महीने का समय जो भी मिलता है, आप उसमें आसानी से ये फिजिकल क्राइटेरिया आप क्या कर पाओगे भाई, आप इसको पार कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है एज लिमिट। देखिए एज लिमिट आपके 18 से 33 वैसे रहती है, लेकिन इस बार आपको पता है कि सारा जो कोरोना में क्या है, ये छूट दे रहे हैं, ठीक है, 3-3 साल की, तो इसमें 18+33+3 ईयर्स आप जोड़ लो, यानी कि 18 से 36 ईयर्स किसके लिए हो जाएगी, 18 से 36 ईयर्स ये हो जाएगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, किसके लिए हो जाएगी, 18 से 36 साल ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए हो जाएगी। बाकी अगर आप बात करोगे तो इसमें 3 साल और जोड़ दो, 18 से 39 ये OBC के लिए हो जाएगी, और 18 से 41 ये आपकी SC कैंडिडेट के लिए हो जाएगी, SC ST कैंडिडेट के लिए हो जाएगी। तो एज का कोई इशू नहीं रहने वाला है, जितने भी लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं या कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं
सारे इस एज में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीआई की कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, तो भाई ऑल ट्रेड इसमें एलिजिबल रहेगी। ठीक है, ऑल ट्रेड इसमें आपकी एलिजिबल रहेगी, तो पर्सन होने वाली कोई बात नहीं। आपने प्लम्बर से कर रखा हो, डीजल से कर रखा हो, एमएमबी से कर रखा हो, कारपेंटर से कर रखा हो, टेक्निकल ट्रेड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन टेक्निकल ट्रेड का मुझे उतना जानकारी नहीं, कोपा एलिजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे कोपा का क्या काम ग्रुप डी में, समझ रहे हो ना। जितने भी ऑल टेक्निकल ट्रेड वैसे एलिजिबल रह सकता है, आपको उसके लिए नोटिस का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल टेंथ वगैरह एलिजिबल था, तो उतना नॉन टेक्निकल ट्रेड की मुझे उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप यही मान चलो ऑल ट्रेड जो है इसमें क्या रहने वाली है, वो एलिजिबल रहने वाली है। ठीक है, अब आईटीआई छात्रों के लिए बेहतरीन मौका क्या है भाई, बेहतरीन मौका यह है कि रेलवे में अगर जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पा सकते हैं। कुछ दिनों में भी आपको बताया गया, केंद्र सरकार की जो मीटिंग हुई थी उसमें आठवां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है, तो सेंट्रल की जो मतलब अगर आप सोच रहे सैलरी कम है 30 से 35 हज़ार, तो आठवां वेतन आयोग लगती है आपकी सैलरी 40 से 45 हज़ार के बीच में हो जाएगी, तो आपको घबराने वाली दिक्कत बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ग्रुप डी का सोचो, आपके लिए और भी बेहतरीन मौके हैं, जैसे ELP की वैकेंसी है। सबसे पहले तो इसमें यार कोशिश करो कि ELP बन जाओ, ELP से अगर थोड़ी कम तैयारी रह जाती है तो ELP के बाद, और देखिए एग्जाम भी उसी सीक्वेंस में लगे, सबसे पहले ELP एग्जाम होगा, मान लो आपको पता है कि आपको थोड़ी मेहनत कम रह गई, आपको पता चले, लेकिन आपने फिर से दबा के मेहनत की, क्यों, क्योंकि अगला मौका आपको टेक्नीशियन की भर्ती मिलने वाला है। ठीक है, टेक्नीशियन भर्ती में फिर भी मान लो आप इसमें नहीं निकल पाए या इसमें नहीं निकल पाए, मान लो इसमें भी आउट हो गए, मतलब मैं कह रहा हूँ मान लो, मगर ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जीरो है ना इस समय, जीरो जो उसको लग रहा है कि उसको कुछ नहीं आता, कुछ ही पढ़ाई नहीं, अगर वो भी तैयारी शुरू करे तो वो या तो ELP या तो टेक्नीशियन या तो आने वाली भर्ती जो ग्रुप डी जिसे आप लोग बोलते हो Level 1, इसमें तो भैया आप निकल ही जाओगे। ठीक है, ये मैं बस आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, बाकी तो आप कोशिश करो कि बेस्ट से बेस्ट जो हो इसमें से, जो आपका जो आपको बेस्ट लगे, जो आपका ड्रीम जॉब हो वो आपको मिल जाए। बाकी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो JEE वगैरह के भी फॉर्म भर रखे होंगे, ठीक है, NTPC भी है, NTPC में आप पता 10+2 भी हो गए, कुछ लोग ग्रेजुएशन भी हो गए। ठीक है, कुछ लोगों ने अगर ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा होगा, कांस्टेबल वगैरह कर रखा होगा, तो RPF SI, ठीक है, और RPF कांस्टेबल के भी फॉर्म लगा रखे होंगे। सारा कुछ सिलेबस आपको पता है कि सेम है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। ठीक है, तो इसमें बहुत मौका है IT छात्रों के लिए, बहुत से मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो रेलवे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका होने वाला है, सारी भर्तियां एक साथ जो है। और दूसरी चीज़ जैसा क्या है, सीक्वेंस सारे क्रम लगे हुए हैं, तो अगर आप एक पेपर में मान लो असफल भी होते हो, तो जल्द अगले ही दिन या अगले महीने या उसके अगले महीने दूसरा पेपर आ जाएगा, तो आपको पढ़ाई बीच में ब्रेक नहीं करनी है। अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहोगे तो किसी न किसी में आपका सिलेक्शन इसमें 100% सिक्योरिटी के साथ हो जाएगा। बाकी अगर आपका ग्रुप डी से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही, सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।